फाखरा फ्रॉम लाहौर। लाहौर। और आप? आरजू। आरजू, बड़ा खूबसूरत नाम, फाखरा और आरजू फ्रॉम लाहौर। ओके, तो ये आपने बैज नहीं लगाया अपने कैंडिडेट का? बैज लगाया था। किसको वैसे सपोर्ट कर रही हैं? इसरुल्ला साहब को। कितनी पूर्व उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में? 100% 100% कहती हैं जी मैं पूर्व उम्मीद हूँ अपने कैंडिडेट के बारे में। फाखरा आप बेटा बताओ, बताओ कितनी पूर्व उम्मीद हो? मैं 100% सर, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है हरुण दुग्गल, मतलब हम अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे ज्यादा जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, बैरिस्टर हैं माशाल्लाह से हरुण दुग्गल साहब, तो अच्छे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए बाय हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। वकालत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम राणा जी अब्दुल रहमान, और ये जनाब हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी सर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत इन्होंने अपना टाइम गुजारा है, दोस्तों से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और ये बैज लगाया है जनाब मोहतरम एम मकसूद बुट्टर साहब का। तो ये इंडिपेंडेंट, ये है प्रोफेशनल ग्रुप, ओके प्रोफेशनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर से पूछते हैं कि वो कितने पूर्व उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें ये इलेक्शन में जो भी सपोर्टर होता है वो पूर्व उम्मीद होता है। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन भी जो है ये 2016 वाला इलेक्शन है जो मैंने लड़ा था, कि ग्रुपिंग में तो हम होते ही हैं लेकिन जनरल वोटर जो हैं और जो सारा सिलसिला है, जो इंडिपेंडेंट वोटर हैं जिनका किसी ग्रुप के साथ कोई तल्लक नहीं, वो मकसूद वोटर साहब को वोट दे रहे हैं, और वो खामोश वोटर जो है वो ही डिसाइड करता है हर इलेक्शन को। इंशाल्लाह ये इलेक्शन भी वही डिसाइड करेगा और मकसूद बुटर साहब वाज़े अक्सरियत से इंशाल्लाह जीतेंगे। चले सर, ये हम बेस्ट विशेस देते हैं अपने चैनल की तरफ से आपको, आपके कैंडिडेट को। तो सर कह रहे हैं कि ये खामोश जो वोटर है वही एक्चुअली एक रोल अदा करता है इलेक्शन में। नाज़रीन अब मेरे साथ एक्स वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल जनाब मोहतरम गुलाम अब्बास रुस्वाना, इनका इनका ताल्लुक जो चिन्योड़ से है, और लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट तो हमें यही लगती है, तो सर बैज लगाए हुए जनाब ये ताहे नसरुल्ला वड़ाई साहब का। सर से पूछते हैं आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम प्रेसिडेंट तहर नसरुल्ला वड़ाइज के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और तमाम दोस्त मुतहद हैं रूल ऑफ लॉ के लिए और मुगला की बेहतरी के लिए। इंशाल्लाह वो अपनी भरपूर खिदमात सर अंजाम देंगे और हमें 100% यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हम आज का ये मैच जो है इसका फैसला हमारे जो वोटर भाई हैं वो हमारे हक में करेंगे और तहर नसरुल्ला इंशाल्लाह सदर होंगे। इन्होंने मैच वाली सही बात की, क्योंकि अगर सीजन है ना मैच का तो ये भी मैच ही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा खूबसूरत मेला भी है, इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल। ओके, ये मेरे साथ जनाब मौजूद है कसूर बार के प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम मेहर। तो सर से पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाहौर में सर थैंक यू वेरी मच और वेलकम। थैंक यू जी, मेहरबानी आपकी, आपने हमारा मौकफ लिया, आप तशरीफ लाए सर, थैंक यू वेरी मच, और आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज के इलेक्शन के बारे में क्या फरमाइएगा? आपने ताहे नसरुल्ला वड़ाई साहब का बैच लगाया हुआ है, और कैसा फील कर रहे हैं आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं सर? मैं समझता हूँ ताहिर भाई जो है इंशाल्लाह इलेक्शन विन करेंगे। मेरे डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से मैं प्रेजिडेंट हूँ तो 90% जो हमारे वकला भाई हैं वो ताहिर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सारे इकट्ठे आए हैं ताहिर के साथ और इंशाल्लाह ताहिर इलेक्शन विन करेंगे। नूर समद खान जनाब हमारे एक्स प्रेसिडेंट, ये लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत प्यारे हमारे भाई और बहुत ही इल्मी अदबी भी शख्सियत हैं, बहुत हम्बल, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। तो आज के इलेक्शन के बारे में सर जी क्या कहेंगे? मैडम इस दफ़ा जो इलेक्शन में बहुत गहमा गहमी है और बहुत तादाद में यहाँ वकला साहबान आए हुए हैं, तो इलेक्शन जो है ताहिर नसरुल्ला वड़ाइज का तो वो क्लियर ही नज़र आ रहा है, तो बाकी सीटों का अभी कोई पता नहीं चला। तो इंशाल्लाह ताला ताहिर नसरुल्ला जो वड़ाइज है बहुत अच्छा सदर साबित होगा, वकला की वेलफेयर के लिए बेहतर से बेहतर काम करेगा। पढ़ इलम किताबा आलम फाजिल होया है पर अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, तो एवें भजना मदर मसीते कदे मन अपने विच वड़िया ही नहीं, तो एवें रोज शैतान नाल लड़ना है कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं, बुल्ले शाह एवें आसमानी उड़दियाँ फड़ना है जिहड़ा घर बैठा और फड़िया ही नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा लेसन है ये। वैसे नाज़रीन मेरे साथ सेक्रेटरी कसूर बार है माहर इमरान, और सदर भी बाहर है और हमारे जो सेक्रेटरी है वो भी मार है। तो मैंने कहा सर ये तो क्या बात है, ये सारे माशाल्लाह मार ही वहाँ पे छाए हुए हैं। तो सेक्रेटरी साहब इल्मी अदबी शख्सियत तो है, सो है, इलेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा उनसे पूछते हैं और फिर कुछ उन्हें कहते हैं कि क्योंकि उनका ताल्लुक है बाबा बुल्ले शाह की बस्ती से, वो बड़ी खूबसूरत बस्ती है, उस मिट्टी में कोई तासीर है कि वहाँ के लोग जो है वो बड़े लिटरेरी हैं, क्योंकि मियाँ महमूद अहमद कसूरी साहब अक्सर आते हैं मेरे प्रोग्राम में।
तो सर भी आएंगे, खैर प्रेजिडेंट साहब भी, तो सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैडम आपका मैं इंतहाई मशहूर हूँ, आपने बहुत मोहब्बत की, मुझे मौका दिया बोलने का। बिल्कुल। तो या कसूर का नाम लिया आपने, कसूर तो बिल्कुल जी एक मोहब्बत वाला शहर है, हमेशा लोगों से दोस्तों से मोहब्बत करता है और बाबी बुल्ले शाह का पैगाम ही मोहब्बत है। तो ये दूसरी इलेक्शन के हवाले से बात ये ताहिर नसरुल्लाह साहब का हम सब आए, ये सिर्फ ताहिर नसरुल्लाह साहब की हम सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ताहिर नसरुल्लाह साहब बारीक से जीतेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जी बेस्ट विशेस आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए। अच्छा आपको सुनाइए ना, आखिर उस बुल्ले शाह साहब की बस्ती से आए हैं सर आप। एट खड़ा का दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर दे खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। वाह आन वकील, आन वकील दे खा खा इन्होंने अपने आप ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਂਝ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰ ਸਭ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਕੁਝ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤੇ ਬਾਂਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ ਹਮ ਹਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋ ਦਰਸ ਮਿਲਾ ਹੈ, जो हमारी तरबियत ट्रेनिंग है वो अदब की है, और अदब ही मलूदे खाता रखा है हमने। तो सर अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में जी, तो हमें वही दर्स मिला, वही हमने सीखा बकौल शेख सादी, बाद बानसी बेदब बेनसी। वाह बड़ी खूबसूरत बात की है। आज के इलेक्शन के बारे में बेटा क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये इलेक्शन जो है ये हमारी बात की रिवायत है, और आज के दिन पंजाब के मुख्तलिफ अजला से वकला हमारी लीगल फ्रटर्निटी आई है अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि ये कोई जंग नहीं है। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात की, ये जंग नहीं है, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। ये एक हेल्दी कंपटीशन है जिसमें अगर राइट साइड पे हमारे भाई हैं तो लेफ्ट साइड पे भी हमारे ही भाई हैं, तो हमने चूज़ उसको करना है कि जो हमारी नज़र में बार को आइंदा साल के लिए अच्छे तरीके से सर्व कर सके। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। तो शाजिया खान है, ताल्लुक इनका पाकपतन से है, पाकपतन से शाजिया का ताल्लुक है, बहुत अच्छा पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक है, और इनके भाई प्रेसिडेंट पाकपतन बार भी रह चुके हैं, और अब शाजिया खुद भी माशाल्लाह बहुत एक पॉलिटिकल लेडी हैं, बहुत लिटरेरी लेडी हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। शाजिया आज के इलेक्शन के बारे में क्या कहो? आज इंशाल्लाह जो टर्न आउट रहा बहुत अच्छा रहा है, आउटसाइडर्स बहुत आए आउट ऑफ सिटीज से, अभी देखे लंच के बाद टर्न आउट का ज़्यादा पता चलेगा और रिजल्ट का पता चलेगा इंशाल्लाह, अच्छे बेहतरी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। लोग आ रहे हैं लास्ट। अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ कहेंगी, इस इलेक्शन के बारे में कुछ कहेंगी? कैंडिडेट के बारे में देखिए, कैंडिडेट सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अपने अपना जो कैंडिडेट होता है वो बैच लगा लिया जाता है, वो बंदा अपना अपना फील करता है जी। मेरा है प्रोफेशन ग्रुप से ताल्लुक हामिद खान साहब से, तो मैं इस बेस पे फिर इनकी सपोर्ट कर रही हूँ। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला इवनिंग में सारा पता चलेगा क्या रिजल्ट रहा। चले जी बेस्ट विशेज है शाजिया आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए, और ये क्योंकि चैनल में पार्शियलिटी हमेशा रखी जाती है यार, जो जीत जाएंगे वो हमारे भाई हैं, वकील हैं, और उनको हम मुबारकबाद पेश की देते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह मुबारकबाद, जो भी जीतेंगे मुबारक। यार तुम लिटरेरी भी तो अच्छा। ये था मुझे एक दफ़ा मेरा मुकाबला हुआ था, उसमें हमने वर्ड दिया था सितारों से आगे जहां और भी हैं। मैंने कहा था हमें एक मोहब्बत का दुख ही नहीं है, कई दुख है उम्रे रवा और भी हैं। अच्छा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये अर्जो समा ही तो सब कुछ नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, हम ही शादिया कुछ तायगाम नहीं, यहां पर कई नात वहाँ और हैं। वाह वाह, ये शादिया का अपने शेर है। ताहिर शबीर साहब इनका ताल्लुक साहिवाल बार से है, और हम बहुत अरसे से बहुत पहले के वाकिफ है नहीं था जी। बिल्कुल जी, हमने एक इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ा था पंजाब बार का, ताहिर बाद में किसी हादसाती तौर पे बन गया से ने भी तुरे फेर दे। अल्लाह दे करम दे नाल है, ये अल्लाह दे बड़े खास करम ने, अल्लाह ने बड़ी बंदी इना दी है, कुछ स्पेशल ही ताल्लुक लगदा। बिल्कुल जनाब अल्लाह ताला। अच्छा सर आज दे इलेक्शन दे बारे च की आखो? असी ते सर इना ना ताहिर नसरुल्लाह बड़ाई साहब दे नाल आए हैं जी, उना सपोर्ट करन लई इंशाल्लाह, तो उधरों दुगल साहब नु अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, इसी तो उन्हें दुआ गो है। चलो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत टाई तुसी बड़ी सोहनी लाई हुई है, और बड़ी दूर ही नजर आंदी है, बड़ी चमचमांदी हुई रेड टाई। और उसमें आप देखे के मुल्तान के बाद ओ बिस्मिल्लाह
मेरे भाई एहसन पून, ये हमारे लीडर हैं जनाब, इनके आगे हम सर उठा नहीं सकते वैसे। बिस्मिल्लाह। राणा इमरान खान, ये राणा वसीम यूसुफ खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज के इलेक्शन को कैसा देख रहे हो इमरान? आज का इलेक्शन जी बड़ा सख्त कंपटीशन है इसका, जो सदर की सीट पे भी, नायब सदर की सीट पे भी और सेक्रेटरी पे भी, और वसीम यूसुफ की पोजीशन बहुत अच्छी है और उम्मीद है ये वाज़ अक्सरियत से जीत जाएंगे। और दूसरी सीटों पर भी काफ़ी सख्त मुकाबला है, सदर का तो आखिरी टाइम ही डिसाइड होगा, नायब सदर की भी यही पोजीशन है, सेक्रेटरी पे भी कोई राय नहीं दी जा सकती, चंद वोटों की गिनती से ये डिसाइड होगा, लेकिन सबसे आसान इलेक्शन जो इस वक्त जा रहा है वो वसीम यूसुफ खान। अच्छा, कह रहे हैं कि वसीम यूसुफ एक वाजिया मार्जिन से जीतेंगे। चले सर, बेस्ट विशेज है आपके लिए और आपके कैंडिडेट के बारे में। बेटा आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है, इस बार टर्नआउट भी ज्यादा है और उम्मीद है कि यंगस्टर की जो आवाज है राणा वसीम यूसुफ खान वो जीतेगा। अच्छा, यंगस्टर की आवाज राणा उमर। अच्छा सर, ये फैसल तौकीर सियाली भी फाइनेंस सेक्रेटरी के, अब्दुल जब्बार डोगर मेरा नाम जी। फैसल तौकीर सियाल को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं, हमारी मदर बार का ये हमारा भाई है छोटा, और पूरा लाहौर डिवीज़न, तीन चार जो डिस्ट्रिक्ट हैं सरगोधा डिवीज़न के गुजरांवाला, वहाँ से ये पूरी लीड कर रहा है, और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम शाम को जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो वाजिक सीए से ये इंशाल्लाह। चलिए जी, बेस्ट विशेज आपके लिए आपके कैंडिडेट के बारे में। सोख्ता साहब जो है ये बड़े अच्छे शायर भी हैं, वकील तो हैं सो शायर भी बड़े अच्छे हैं, आपको पता लगा कि ये इनका जो नाम है इनका तखल्लुस है, सर ये सुनाइएगा कुछ हमें प्लीज़ जी। मेरा नाम अमानत अली गालिब है, तखल्लुस मेरा सोख्ता है, मैं अपनी ही गज़ल पेश कर रहा हूँ। यूं खेंचे है दस्ते बहार मेरा हर तारे गिरेबानी, के रों हूँ दिखा दिल को दौग है सीनाए उरियानी, फेंक दश्ते तहैयर में दिलो नगाह को, ललकारे है दर्द हिजरा बे आलमे बे सरो समानी, हर कतराए खूने जिगर टपका देंगे, के है चशम आज जुए खून रवानी, पास दारे नमूसे चमन ही रहा ये शिकिस्ता आरजू, दो आलम लूट ले गए अदाबे गुलस्तानी, सितम गरा बाजा धर चमनम के हनूज, महवताना जन है हर अदाए ताबस्तानी, सद हरंगे बहारा देखे है गालिब वले, मुद्दत हुई जो देखे यक रुखे गुले फौमी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा है आपका इलेक्शन देखने आप? इलेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और ये हमेशा हम कहते हैं कि इलेक्शन एक हुसन होता है ये हमारे एडवोकेट्स का, और इसके अंदर ये सारे, अगर ये इलेक्शन ना हो तो शायद हम एक दूसरे की तरफ शायद देखें भी ना और बातचीत भी ना करें, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये सारे मतलब ऑल अक्रॉस, ये नहीं कि खाली इस शहर से आए हुए हैं, कोई 80 बारे हैं जहाँ से आज ये इकट्ठे हुए हुए हैं, जहाँ पर आपके पहले लॉ कॉलेज के बैचमेट्स और सारे जो स्कूल के होते हैं दोस्त जो, तो उनके साथ आपका एक एक एक्सक्यूज़ होता है जहाँ पर आपकी एक दफ़ा मीटिंग हो जाती है, तो मैं समझता हूँ इससे मतलब अच्छी बात ही कोई नहीं। बहुत बड़ी खूबसूरत बात की है बैरिस्टर दानियाल चदर साहब ने, कैंडिडेट भी हैं सेक्रेटरी के, उन्होंने कहा कि ये इट्स अ फेस्टिवल और बहुत दूर दूर से दोस्त आके हमें मिलते हैं, हम पहले कर चुके हैं कि ये वाकया एक मेले का समय है। चलें जी आगे, अब दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आ जाओ बेटा। लाहौर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत प्यारे भाई हैं मेरे, आज के इस इलेक्शन के बारे में सर क्या फरमाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बारिश की वजह से बड़ी परेशानी थी कि कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि स्मूथली हो गया और बहुत अच्छा इलेक्शन जा रहा है, और ये एशिया की बार सबसे बड़ी बार का इलेक्शन है। उसकी रीज़न ये है कि तकरीबन 20,000 से ज़्यादा हमारे वो मेंबर्स हैं जिनका बायोमेट्रिक है, अदरवाइज इट इज़ अबाउट 30,000, और अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अहसन तरीके से ये वाहिद अदारा है पूरे पाकिस्तान में जहाँ ना लड़ाई होती है ना झगड़ा होता है, और हम लोग खुशी से अपना टेन्योर ख़त्म करते हैं और अगले को हैंड ओवर करके चले जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा कैंडिडेट, हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप का कैंडिडेट बहुत अच्छी पोजीशन में, इंशाल्लाह हम विन करेंगे। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत बात की है शेख साहब ने कि ये वाहिद ऐसा इदारा है जमहूरियत है जहाँ पे, और बड़े ऐसन तरीके से जीतने वाले को शाम को हम इक्तदार उसके हवाले करके साइड पे हो जाते हैं, और वो सबका नुमाइंदा होता है, जो सबसे बड़ी बात है वो सबका नुमाइंदा होता है, फिर कोई यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती कोई बाइस होने वाली, नहीं सर ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि
शेख साहब के बारे में कहती हूँ कि बड़े इज क्वाइट लकी वन, इन्होंने जब लाहौर बार का इलेक्शन बतौर प्रेसिडेंट जीता था और ये आजाद उम्मीदवार थे, सब ग्रुपों को छोड़ छाड़ के ये जीत गए थे। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं दोस्त, ये भी दोस्तों से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मेरे साथ है रुकैया रिहान। रुकैया, आज के इलेक्शन के बारे में क्या कहोगी यार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। आज का इलेक्शन बहुत ही खूबसूरत है, हर इलेक्शन की तरह मौसम हमेशा इलेक्शन पे और प्यारा हो जाता है, तो अच्छा। इसलिए हम अपने कैंडिडेट्स के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब व कामरान करे। हरून दुग्गल इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी होंगे। रुकैया ने कहा है कि हरून दुग्गल इंशाल्लाह शाम को सेक्रेटरी होंगे। जी, हम आपके लिए और आपके कैंडिडेट के लिए बेस्ट विशेज रखते हैं बेटा। तो क्योंकि जाहिर है कि जिसका बैज लगाया जाता है फिर वो जिम्मेदारी से बंदा फील करना शुरू कर देता है। तो ये जनाब पत्तों की बार के प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं। सर, पूरा नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मुदस्सर नईम है और मैं पत्तों की बार का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। मेरे साथ साबका प्रेसिडेंट साथ खड़े हूं आप, प्लीज। दिलशाद साहब हैं, ये सेक्रेटरी हैं साहब का। अच्छा, रिजवान असलम साहब ये वाइस प्रेसिडेंट है साहब का, और हम सारे ताहर वड़ाई साहब को सपोर्ट करने के लिए हैं और इंशाल्लाह ताला वो जीतेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये जनाब कसूर बार से हैं सर का, बड़ी दफ़ा हमने प्रोग्राम भी करवाया है, इनकी माशाल्लाह बड़ी बुक्स लिखते हैं ये। अभी रिसेंटली इनका दुरे ऐसा साथ मैंने इनका प्रोग्राम करवाया बुक पे। सर, आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं आपने? तो आप बड़े सियासतदानों की तरह आपने बैज नहीं लगाया, गुमगू का आलम। सर, सारे कैंडिडेट ही हमारे हैं, जो जीत जाएगा वो हमारा होगा। हाँ, तमाम ही हमारे लिए तमाम ही रिस्पेक्टेबल है, तमाम हमारे लिए, तमाम वोकल हमारे लिए काबिल फख्र है। बात की सर, अच्छा सा शेर सुनाइए। पाजेब छनकती रही, चूड़ियाँ खनकती रहीं, कलियाँ चिटकती रहीं, हवाएं चलती रहीं, वो चले गए मैं मगन ही रहा, पाजेब की छन छन में, चूड़ियों की छन छन में। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक सर। ये जनाब सज्जाद हुसैन चौहान, वो हमारे साथ मौजूद है, वकालत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, हमारे बहुत प्यारे भाई और बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान। तो आज के इलेक्शन के बारे में सर से पूछते हैं, वैसे लिटरेरी भी बड़े, इनसे शेर वेर भी हम सुनने हैं एक दो। जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैडम। आज के इलेक्शन के बारे में क्या फरमाएंगे? बस आज का इलेक्शन आप भी देख रही हैं, सब लोग देख रहे हैं कि ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच का इलेक्शन है ये। अच्छा। और बाकी जो लोग जितने भी वोटर्स सपोर्टर्स हैं वो अपने कैंडिडेट्स का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच साहब का जो इलेक्शन है वो अपने एज ए फैमिली मेंबर के तौर पे, अपने बड़े भाई के तौर पे उनका इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, वो कहलवाते भी भाई हैं सबसे, है ना, सब उन्हें पाजी कहते ने, और वो माइंड भी नहीं करते, जैसे मैं बाजी कहने पे जरा माइंड नहीं करती, मैं कहती हूँ भाई मैं आप हूँ आप कह सकते हैं। जी बेशक, से हम अपने बड़े भाई का इलेक्शन यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी यकीन ये जीत जो है वो यकीनी है, और हम जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा वाह, वेरी नाइस। अच्छा, कोई अच्छा सा शेर सुनाए सर, पोस्ट तो आप बड़ी अच्छी अच्छी करते रहते हैं। शेर के हवाले से मैं अपनी एक छोटी सी आजाद नज़म आपको सुनाता हूँ। sure. आज तुम फैसला ही कर डालो, मैं या वो, मैं मोहब्बत हूँ और वो जिंदगी। वाह वाह वाह, आज तुम फैसला ही कर डालो, मैं या वो। वाह वाह सर, बड़ा चैलेंज है। थैंक यू सर। चले जी, सो नाइस यू सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। जनाब ये मुनसिफ अवान साहब हैं, हमारे बहुत प्यारे बड़े भाई हैं, और ये लगाया हुआ इन्होंने बैज बैरिस्टर दानियल एजाज चद्दर साहब का। सर, क्या कहेंगे आपके अपने कैंडिडेट के बारे में, आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? वैसे मुनसिफ अवान साहब भी बड़ी इल्मियत भी शख्सियत है, हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके। जी मैडम नरगस जी, आपकी बहुत शुक्रिया, आप किसी को इधर से बच के जाने नहीं दे रहे। ना ना सर, ये आपकी बड़ी बहादुरी है। तो देखिए, इतना अच्छा ये मेला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है और बड़ा बरादराना माहौल है। जिसने इसका बैज लगाया है वो भी बरादराना है, जिसने दूसरे का लगाया है उसने भी बेहतरीन लगाया, तो ये अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छा बरादराना माहौल है। और आपकी वजह से कितने पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में? मैं 100% हूँ। हाँ जी, चले सर, आपके लिए आपके कैंडिडेट के बारे में पूरे हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट विशेस है सर जी, सो नाइस यू, थैंक यू। जनाब फैसल साहब, फैसल पूरा नाम फैसल इकबाल है सर जी, और ये जनाब एग्जीक्यूटिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकालत की दुनिया का बड़ा नाम, हमारे बहुत प्यारे भाई फैसल साहब। सर, ये क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के बारे में, मकसूद भुट्टर साहब का बैज लगाए? जी, नेक टू नेक मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है, तो मैं तो जिसका बैज लगाया उसकी मैंने खैर दुआ करनी है कि वो जीते। बहरहाल दोनों तरफ दोस्त हैं, और ये हमारे इलेक्शन का वकला का यही हुसन है कि हमारे इलेक्शन में जो उनसे है ना कोई हार्ट रिफ्ट नहीं होती, और सब जो उनसे है ना दोस्त आपस में, बेशक कोई जीते ही हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को जो भी जीतेगा सबका प्रेसिडेंट होगा, सबका सेक्रेटरी होगा, और सबका
वाइस प्रेसिडेंट होगा और सबका फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, नहीं सर? बिल्कुल सही, वो सभी उसे ऑन करेंगे, चाहे अगर मैंने मसूद भुट्टर का बैच लगाया है और अगर दत्ता नसरुल्ला वड़ा जीतता है तो वो भी हमारा प्रेसिडेंट होगा। और मजे की बात यह है कि जो प्रेसिडेंट आ जाते हैं तो वो फिर ये नहीं देखते कि इसने मेरा बैच, मुझे वोट दिया था कि नहीं दिया था, मुझे बैच लगाया था कि मेरा बैच लगाया था कि नहीं लगाया था, वो सबके प्रेसिडेंट होते हैं, वो सबके प्रेसिडेंट होते हैं। ये सर वाकई ये जो एक प्लेयर स्पिरिट है ये होनी चाहिए। छछर साहब कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे सेक्रेटरी भी रहे और आपको हमने वोट भी दिया था बाय द वे। हमारा जस्ट वन चैनल है और ये चैनल स्पेशल एक्सक्लूसिवली वुकला के लिए है। आज के इलेक्शन के बारे में क्या है? आज के इलेक्शन इंशाल्लाह ताला आपका भाई ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच जीत रहा है और बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक और आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी वहाँ पे बुला लें जहाँ पे बैठ के। हाँ, मैं बिल्कुल बुलाऊंगी सर, बिस्मिल्लाह सर। आओ हम दोनों जिंदगी को यूं देखें कि जैसे दो आंखें मिलके देखें। आओ हम जिंदगी को यूं देखें कि जैसे दो आंखें मिलके देखें। बड़ी यूनिटी है सर शेर में। अच्छा जी, ये आइएगा बेटा, आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग में आप तो, क्या नई नई शादी हुई है? नहीं मैम, करने का रहता है। मेरा बड़ा प्यारा भाई है, यंगर ब्रदर, तो आज चले आए तो हम काले कोट के अलावा भी कपड़े पहन सकते हैं ना। बेटा आज के इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे हो? मैडम अच्छा टर्नआउट है, बारिश भी नहीं हुई तो इस वजह से। मैम इस दफ़ा तो हम किसी को नहीं कर रहे, लेकिन हम ये विश करते हैं कि जो भी आए वो बाहर के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, हमारी वेलफेयर के लिए अच्छा हो। बड़ी खूबसूरत बात की। अपना नाम? पूरा जुनेद खान। जुनेद खान ने बड़ी प्यारी बात की है, बहुत अच्छी बात की है बेटा आपने कि जो भी आए बाहर के लिए अच्छा हो और दोस्तों के लिए अच्छा हो। चलिए अब आगे चलते हैं। ये मेरे साथ है, मेरी बहुत प्यारी सी बहन है और ये फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन भी रही है। पूरा नाम बताओ। रिफत तुफैल है। रिफत तुफैल मलिक। दोनों ये ट्विन्स है। ट्विन्स है यार, इनकी शक्लें इतनी मिलती है कि अगर इकट्ठी नहीं मिले ना तो बंदा पहचान नहीं सकता। आज शुक्र है लकड़ी दोनों इकट्ठी हैं जी। हाँ जी, आज बहुत मजा आ रहा है, हाईकोर्ट का इलेक्शन है, बहुत शहरों से लोग आए हैं तो बहुत इंजॉय हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है, सबको हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम सबके लिए और जो जीतेगा उनके लिए बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला जो मुनासिब है उन्हें इज्जत दे। ठीक है, चलो जी आप बताओ जी। आज इलेक्शन डे है, ये बहुत अच्छा इवेंट है। मैं भी एक्स कैबिनेट मेंबर हूँ, ऑडिटर लाहौर बार थी, समीनत फैल मलिक मेरा नाम है। और ये जो इवेंट है ये बहुत अच्छा है, इसी से हम लोगों की मुलाकात हो जाती है सारे कुलीग्स की आपस में और अल्लाह ताला सबका मुकाबला बहुत सख्त है। अल्लाह ताला जिसको मुनासिब समझे इज्जत बख्शे। काउंटर साइन तो अल्लाह ने करने, यार वो तो अल्लाह ने हतमी, हमारी सिर्फ कोशिश है और अख्तर पड्डा सर के लिए भी है कि भी अल्लाह ताला। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, ये चौधरी अख्तर पड्डा का बैज लगाए मैं तो, कितनी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे? 100%। अच्छा 100% कह रही है मैं अख्तर पड्डा साहब के लिए पूरी उम्मीद हूँ। अच्छा बेटा आपके लिए और आपके कैंडिडेट के लिए बेस्ट विशेज है हमारे चैनल की तरफ से। मैडम आप बताइए जी। मेरा नाम नाहिद खालिद है। अच्छा, मेरा आधा नाम आपका है, मैं नरगिस नाहिद हूं अपना। हाँ जी मैं नाहिद, सामने देखिए जी। और मैंने वोट अपना कास्ट कर लिया है और मैं दुआ करती हूँ कि ये लॉयर्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी जीत जाए वो लॉयर्स के लिए भी कुछ करे अपनी जात के लिए। हाँ ये तो होना चाहिए ना, एक साल नहीं उनके लिए नहीं गुजरना भी चाहिए तो कर देते हैं ना, हमने अपना काम कर दिया है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें अपने। बेस्ट विशेस नाहिद, लेकिन आपने बैच में किसी का लगाया जी? मैंने चौधरी बलायत को वोट दिया। अच्छा चौधरी बलायत को, अच्छा चले, बल्कि अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट पे चौधरी बलायत साहब के हमें वोटर भी मिले, तो कैसा फील करती है आप उनका इलेक्शन और कितनी उम्मीद है अपने कैंडिडेट? हमने अपने जो हमारा काम था, हमने बेसिकली शेखुपुरा के सारे वोटर्स जो है उन्होंने वोट दिया। उनका ताल्लुक शेखुपुरा बार से? शेखुपुरा से है इसलिए जी। नाइस, तो इसलिए हमने तो अपना काम जो था वोट डाल के वो कर दिया। चलो नाहिद बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपको आपको वेलकम है लाहौर में, शेखुपुरा बार से तशरीफ लाई हैं आप और हम बेस्ट विशेस देते हैं आपको और आपके बेटा कैंडिडेट को। ओके थैंक यू सर। अच्छा सईद नागरा को भी इन्होंने किया है वाइस प्रेसिडेंट पे? अच्छा अच्छा, हमने मुनासिब समझा कि उन्हें दें क्योंकि अच्छे इंसान है और उन्होंने हमें टच किया तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर वो आ जाते हैं तो ये भी खुशी की बात है, अगर उनके नेमल बदल कोई आएगा तो वो भी हमारे भाई हैं, खुशी की बात है। चले जी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। गुजरांवाला बार से तशरीफ लाए अंजुम सईद साहब, आज के इलेक्शन के बारे में कैसा कहेंगे बेटा? जी इंशाल्लाह ताला मकसूद भुट्टर साहब जो हैं वो हैवी लीड से कामयाब होंगे और बड़ी अच्छी पोजीशन है उनकी, इर्द गिर्द सराउंडिंग से भी काफ़ी ज़्यादा वकला की तादाद जो है वो मकसूद भुट्टर साहब के हक में वोट कास्ट करने आई है
और लाहौर भी इंशाल्लाह ये यहाँ पे साबित कर रहा है कि लाहौर भी मकसूद भुट्टर साहब का, क्योंकि उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है ना, और वैसे भी उनका करेक्टर वाइज और वैसे उनका ओवरऑल जो एक रिप्यूट है वो बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ताला वो कामयाब। शमा क्या, चलो इलेक्शन कैसा देख रही हो शमा, ये बताओ। बहुत अच्छा देख रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है जी। इन्होंने कहा बैज हमने अभी लगाया नहीं है, कोई नहीं थोड़ा बहुत होता ही है ना कभी। तो आप बताइए नाम अपना। गजल गोंदल। गजल गोंदल, बड़ा खूबसूरत नाम है गजल। तो गजल क्या देख रही हैं आज के इलेक्शन को, आज सारे के सारे बहुत पुरजोश हैं, ठीक है। इसकी कंपेन लास्ट राउंड अबाउट एक दो माह से बहुत ज्यादा हो रही है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट है सबको कि कौन इस साल होगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। जिस चीज़ को आपने बैज वैसे नहीं लगाया, लेकिन चले जो आपके दिल में है, जो आपके कैंडिडेट है, बेस्ट विशेष बेटा आपके लिए भी और उनके लिए भी, ठीक है। नैयर रियाज शेख सर, आज का इलेक्शन किस तरह देख रहे हो? आज का इलेक्शन बड़ा पुरसकून तरीके नाल चल रहा है, इंशाल्लाह ताला चौधरी नसरुल्ला बड़ाइच जीतेगा। अच्छा जी, नसरुल्ला बड़ाइच नूं तुसीं कर रहे हो, चलो जी बेस्ट विशेष तुहाडे वास्ते ते तुहाडे कैंडिडेट वास्ते जस्ट वन दी टीम वल्लों। आ बेटा ये दराय जिशान सलेरिया का इन्होंने बैज लगाया हुआ है, तो कैसा इलेक्शन देख रहे हैं अपने ये फाइनेंस सेक्टर के लिए? जी अच्छा देख रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब होंगे और बड़ा पुरसकून तरीके से, बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन चल रहा है और सारे अपने कैंडिडेट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक सारे अपने अपने कैंडिडेट इंशाल्लाह। यस ये रिपीटर है, इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह। मैं नाम कासिम है। कासिम एडवोकेट जिशान सलेरिया के लिए बहुत पुरउम्मीद है। अच्छा बेटा आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए चैनल की तरफ से बेस्ट विशेज हैं। ओके मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। साजा साहब न्यूट्रल बंदे ने दसोगा सर जी? हाँ मैं तो जी इसी को दे रहा वोट, नसरुल्लाह बड़ैच को। अच्छा न्यूट्रल नहीं हो के सपोर्ट सपोर्ट। अच्छा वैसे सर तुसी इलेक्शन किस तरह देख रहे हो? इलेक्शन बड़ा पुरसकून है, बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है और लोग सुकून के नाल वोट पा रहे हैं और बड़ी गहमा गहमी और टर्नओवर ज्यादा होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब्दुल स्तार न्याजी साहब, इनका ताल्लुक मियांवाली से है, लेकिन सर माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे उद्योग पे रहे हैं, हमारे एमपीए भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में। तो सर से पूछते हैं आज का इलेक्शन क्या कैसा देख रहे हैं और किसको सपोर्ट करें जी? सर इलेक्शन की गहमा गहमी देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है और फिर ये जमहूरियत किसी का नाम है। मैं तो नसरुल्लाह बड़ैच के साथ हूँ। बाकी मेरा बड़ा प्यारा भाई है रिहान, और अब ये जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन है, और जनरल सेक्रेटरी वो होता है जो जिसके ज्यादा वोट होते हैं वो जनरल सेक्रेटरी होता है, जिसके थोड़े से कम होते हैं वो सेक्रेटरी होता है। तो रिहान जनरल सेक्रेटरी है। रिहान आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हो बेटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह शाम को ताहिर बड़ैच की जीत होगी और हम सब पर उम्मीद है कि ताहिर बड़ैच जो है बड़े अच्छे मार्जिन से लॉयसन भी है और साहब का जो पोलिटिकल बार के लिए खिदमात हैं इनकी वो बहुत बेहतर हैं, इसलिए हम इनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह शाम का जो सूरज तलू होगा ये ताहिर बड़ैच की जो जीत की सूरत में होगा इंशाल्लाह। अच्छा रिहान चलें, खैर बेस्ट विशेज आपके लिए और आपके कैंडिडेट के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि ये लाहौर बार के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़ी सीट है रिहान और बहुत बड़ी बार है, आपको पता है एशिया की बहुत बड़ी बार है, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर यू कि आप जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार है, तो उसके हवाले से बताइए कोई ऐसे आप रखते हैं काम कि आप करेंगे वकला के लिए बार के लिए, तो ये बताइए थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए जी। लाहौर बार के हवाले से हमने लाइब्रेरी को अब जो है ना उसकी बुक की शफलिंग शुरू करवाई है और हम मूव दे रहे हैं। बुक्स को नंबर लगवाने के बाद हमने डाटा कलेक्ट किया, जितनी भी बुक्स कम है जो इमीडिएट ज़रूरत है उसके लिए हम वहाँ पे कपबोर्ड जो है ना वो जो लोग बार लाइब्रेरी को बुक्स देंगे उनके नाम से उस जो है शफल वो उनके नाम से मंसूब करेंगे। इसके अलावा हमने कोर्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ज़िला कचहरीज हैं, उनमें हमने कोशिश की है कि हम तमाम जो जो छोटे इश्यूज़ हैं उनमें भी हमने पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर दी है कि तमाम वकील पावर ऑफ अटॉर्नी दे के पेश हों। डिस्ट्रिक्ट जज से इस हवाले से हमारी बात हुई है, जिससे यंग लॉयर्स को जो है ना वो, क्योंकि पहले टाउटिज़म और पुलिस के जो लोग हैं वो अपना काम जो है ना वो बगैर वकील के करवा के जाते थे, इस चीज़ को प्रमोट किया है। इसके अलावा हमने जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से उसमें हमने कोशिश की है कि लॉयर्स को जो है ना वहाँ पे प्रमोट किया जाए, यंगस्टर को रिसीवर्स के हवाले से, कमीशन के हवाले से हमने अपॉर्चुनिटी डेवलप की है यंग लॉयर्स के लिए, और सीनियर लॉयर्स के एहतराम में हमने इंशाल्लाह जल्द ही सदर लाहौर बार जिया खान तारिक की सरबराही में हमने एक कमेटी बनाई है जो 50 ईयर्स वकील प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको लाहौर बार की तरफ से एक अप्रिसिएशन जो है ना वो दी जाएगी, जिसके लिए बकायदा एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा।
और आने वाले चीफ जस्टिस जो है कासिम खान, मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब के हवाले से मैं बताता चलूँ कि उनके साथ हमारी मीटिंग मुतवक्का है, और इस हवाले से तमाम जो पैरामीटर्स हैं जिससे जुडिशी बार और बेंच जो है वो एक बेहतर मेकानिज़म दे के इंसाफ की फरहमी को हर आम वकील तक, आम लोगों तक रसाई मुमकिन कराई जा सके, उसके लिए हम बेहतर तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और ख्वाहिशमंदी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत बातें की इन्होंने, और मैं चाह भी रही थी कि ये सारी चीज़ें वाकया होनी चाहिए, क्योंकि किताब के बगैर तो वकील है ही नहीं। हर वक्त किताब जो है वो वकील का एक, मैं समझती हूँ जो असल वकील का जो जेवर है वो उसका किताब है, उसका इल्म है, और वकील अप टू डेट रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लाइब्रेरी को अप टू डेट करेंगे, और वो जो लोग किताबें देंगे उनके नाम भी लिखेंगे, ताकि ये कोई इसमें तशहीर की बात नहीं होती, आने वाले लोग मोटिवेट होते हैं और वो अच्छा लगता है कि सब आए। चले जी आगे, अब हम आपको सारे स्टॉल दिखाते हैं। ये स्टॉल है जनाब बैरिस्टर चौधरी सईद हुसैन नागरा साहब का। हाँ जी, ये बताएं जी बेटा, इधर आए, कितने पूरे उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में? इंशाल्लाह खैर करे, वो विनर कैंडिडेट है। अच्छा, चले जी बेस्ट विशेज आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए। मलिक अब्दुल रशीद एडवोकेट लाहौर से हैं जी। सर कैसा देख रहे हैं अपने इलेक्शन? ये बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है, और वकला बरादरी का यहाँ काट ही होता है हर साल, इसी में पता चलता है लोगों की अपनी बरादरी के, बरादरी इकट्ठी होती है, एक दूसरे से मिलन आप होता है, तल्लकात बढ़ते हैं, और जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनको हमारी बरादरी जो है इलेक्ट करती है। अच्छा, जी, और सईद नागरा साहब बहुत अच्छे हैं वकला बरादरी के लिए, बहुत पहले भी इन्होंने बहुत मार खाई है। हाँ, वाकई वो जो एक मिस ऐप हुआ था तो उसमें नागरा साहब वाकई बेचारे बड़े बड़े बल्कि इंजर्ड हुए। नागरा साहब ताला इनको मजीद कामयाबियां देगा, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये अच्छे वोटों से जीतेंगे। चले सर, हम आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए बेस्ट विशेज हमारे चैनल की तरफ से। इट्स जस्ट वन चैनल, और ये एक्सक्लूसिवली एडवोकेट्स के लिए चैनल है। मोहम्मद आबिद मुश्ताक, अच्छा जी कैसा देख रहे हैं आज का इलेक्शन? जी बड़ा अच्छा इलेक्शन है, और बड़ी गहमा गहमी है माशाल्लाह, और एक मुकाबला सख्त है दोनों, क्योंकि इतना आसान नहीं है दोनों सीटों पे, ख़ास तौर पे बिलखसूस सदर की और सेक्रेटरी की, और एक अच्छा यानी मुकाबला देखने को नज़र आ रहा है। यानी वो जो वन साइडेड वाली बात है ऐसा नहीं है, कंपटीशन है, ऐसा नहीं है, और वाकई ही वन साइडेड वाली बात नहीं है, और वाकई मुकाबला होता नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा बहुत अच्छी एक वोटिंग के जरिए जीतेगा, वैसे नहीं जीतेगा। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस आपके लिए, आपके कैंडिडेट। थैंक यू, सेम इज हियर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा ये है जनाब तौसीफ खालिद खटाना, वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे है ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट। अच्छा जी, जी अपना पूरा नाम बताइएगा। जी जाहिद अली मुगल। जाहिद अली मुगल साहब है ये, तौसीफ खालिद खटाना उनका, खटाना एक गुजर जात है ना, तो उनका ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट ये कर रहे हैं, तो उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। जी आज के इलेक्शन के बारे में भाई क्या बताएंगे? जी आज के इलेक्शन के बारे में आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का इलेक्शन जो है वो बज़ाहिर तो देखने में कोई किसी की सीट के ऊपर भी कोई इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि कौन विन करेगा कौन नहीं विन करेगा, साइलेंट वोट जो है ना वो मोस्टली ज़्यादा है बज़ाहिर इसके के बैजरों के या सपोर्टरों के अलावा, जो साइलेंट वोट है ना वो इस बार हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसलिए कोई समझ नहीं आ रही इलेक्शन की कि किस तरफ जाएगा कौन ग्रुप, किसी तरफ भी जा सकता है, लेकिन जो भी कैंडिडेट जीतेगा सदर पे या नायब सदर पे वो बड़े क्लोज मार्जिन के साथ जो है ना वो। चले जी बेस्ट विशेस आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए। रॉबिनसन ये आज के इलेक्शन के बारे में सर क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा इलनेस फील कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जी प्लीज। हाँ जी, ये बात ये है कि ये अपनी करेक्शन कर लें, ये इलेक्शन नहीं है, ये लॉयर्स का मेला है, फेयर है। बड़ी प्यारी बात की करें, अपनी करेक्शन करें, ये इलेक्शन नहीं लॉयर्स का मेला है। ठीक है सर, करेक्शन कर लिया, लॉयर्स का मेला है। हाँ जी, तो मैं खुद इलेक्शन लाहौर बार का 3 दफ़ा कंटेस्ट मैंने किया है, तो मैं सिर्फ इसलिए गया हूँ कि इधर बहुत से लॉयर्स से मुलाकात हो जाती है जिनसे काफ़ी देर मुलाकात नहीं हुई होती ना। चले सर, हम आपकी अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी के लिए दुआगो हैं, थैंक यू वेरी मच सर, सो नहीं सफे। मोहम्मद अयूब खां उम्मीदवार बराए नायब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उनका स्टॉल है, और यहाँ पे जो है जी कैसा क्या फील कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के बारे में? अच्छी की उम्मीद है हमें। अच्छा, अच्छी उम्मीद है, अपना नाम बताइएगा। अख्तर। अख्तर नाम है इनका, और कह रहे हैं अच्छी उम्मीद है। आप अपने कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे बेटा? हम अपने कैंडिडेट अयूब खान साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। अच्छा, तो अख्तर अली एडवोकेट। अख्तर अली एडवोकेट, तो हम सुबह से उनका, अयूब खान साहब बहुत अच्छी कैंपेन जा रही है, हमें
तो पुरसकून हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर शाम को हम विनर होंगे इसके बारे में। तो सुबह से मेरी यही दरख्वास्त चल रही है तमाम वोटर्स के साथ कि प्लीज़ इनको वोट कर। चले जी, क्योंकि आपके वो उस्ताद हैं, बेस्ट विशेज़ है बेटा आपके लिए, आपके आपके टीचर और इस कैंडिडेट के लिए। ओके सर, कितने की उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में, अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम सजाद हैदर नकवी है और हम मुदसर अब्बास मगियाना का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा है, लाहौर में तो हम बराबर पे जा रहे हैं, लेकिन लाहौर से बाहर जो है, क्योंकि हमारे उम्मीदवार का ताल्लुक ज़िला झंग से फैसलाबाद डिवीजन से है, तो इसलिए जो लाहौर से बाहर जो वोट जो आ रहा है वो मुदसर अब्बास मगियाना की फेवर में हमें महसूस हो रहा है। हमारा इलेक्शन, हम बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सीट हम जीतेंगे। चले सर, हाँ बेस्ट विशेज है चैनल की तरफ से आपके लिए, आपके कैंडिडेट। जी बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। सो नाइस सर। सर कैसा इलेक्शन देख रहे हैं आप अपना? अल्लाह का शुक्र है मैडम, बहुत अच्छा इलेक्शन है जी, बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन है। अल्लाह ताला फतह देंगे, कामयाबी देंगे, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत फजल करम है। इंशाल्लाह ताला बाहर के दोस्त आ गए हैं, यहाँ के दोस्तों ने बहुत मोहब्बत की है, बाहर के दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत की। आपका ताल्लुक लाहौर से बाहर किसी बार से? मेरा बेसिकली झंग से है, लेकिन मैं लाहौर बार का, लाहौर टैक्स बार का मैं मेम्बर हूँ, और मेरा जो बेसिक है वो माले टाउन में मेरा वहाँ पे ऑफिस है, और मेरा टन्ना रोड पे भी ऑफिस है मेरा। वाह वेरी नाइस, झंग झंग बड़ा मशहूर है हीर की वजह से बड़ा मशहूर है तो कोई शेर सुनाए ना अच्छा सा। मैडम शेर तो मुझे ज्यादा नहीं आते, लेकिन कोई हीर का कोई इलाका हाँ। तो वो कोई तो आना चाहिए। नहीं मुझे इस वक्त, क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट हूँ, मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा। ना ना सोचे ना कोई बात नहीं, मेरा पार्ट ऑफ गेम। मेरा यही शेर है कि मेरी मुझे वोट वोट और वोट का मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा तरल है, मेरा यही शेर आज के लिए मेरा यही है। राना अली अख्तर खान, फनान सेक्रेटरी। वालेकुम अस्सलाम। चलो बताएं जी अपना पूरा तारुफ कराएं जस्ट वन को। जस्ट वन को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद, और दूसरा ये कि मैडम की बड़ी काविशें हैं इस जस्ट वन के लिए, एंड वी अप्रिशिएट हर दैट फॉर दैट स्ट्राइव हार्ट। तो हमारी यही दुआ है कि ये माशाल्लाह चलता रहे, जो हमारे बुकला बहन भाई हैं उनको सपोर्ट करती मिल जाए, जो भी उनकी काविशें हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन में इन स्पीचेस करते हैं, जो भी उनकी वो और भी एफर्ट्स हैं, उसको अप्लॉज के लिए हमारी तरफ से बहुत विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी राना आंसा। राना आंसा, अच्छा ये इसके बारे में बताओ ना, जिनका बैज लगाया कितने पुर उम्मीद हो यार? पुर उम्मीद हूँ इसलिए कि मेरे भाई हैं छोटे राना अली अख्तर। अच्छा, और इसके लिए हमारी बेस्ट विशेज हैं, और बहन भाइयों के लिए भी बेस्ट विशेज हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको जरूर वोट कास्ट। चलो बेटा, आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए बेस्ट विशेज हैं हमारी तरफ से भी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। मियाँ अहमद मजीद, ये भी नायब सदर के उम्मीदवार हैं, तो सॉरी फिनांस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, और फिनांस सेक्रेटरी के 6 उम्मीदवार हैं आई थिंक, है ना? बेहतरीन है, उम्मीद है इन्हें, कहने ठीक है। चले सर, बेस्ट विशेज है आपके लिए, आपकी टीम के लिए, चैनल की तरफ से, और अल्लाह खैर करे। शेख मुस्तफ़ा एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनका उनका प्यारा सा बेटा भी साथ है। बेटा है कि बेटी है? बेटा है, वो भी प्यारा सा साथ है। सर आपका नाम जी? चौधरी हारून रशीद। चौधरी हारून रशीद, और हारून दुग्गल का ही इन्होंने बैज भी लगाया हुआ, और बुट्टर साहब का इन्होंने जी। शेख साहब, आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं सर? इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा जा रहा है, और बड़ी गहमा गहमी है, हम इस सारे प्रोसेस से बड़े मुतमईन हैं, और इंशाल्लाह जिसका भी कामयाबी होगी, जो भी कामयाब होगा, वह एक इलेक्शन का एक हिस्सा है। हम मकसूद भुट्टर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा साहब, आप? मैं मकसूद भुट्टर साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। और हारून दुगल को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपका अपना नाम भी हारून? जी मेरा अपना नाम भी हारून है। अच्छा। और अफजामबाद बार से मेरा ताल्लुक। अच्छा, है। अच्छा। और इलेक्शन प्रोसेस माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है, और जो भी इंशाल्लाह जीतेगा बस इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? मोमिन। क्या करते हैं बच्चे? मैं पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में हो बेटे? मैं क्लास 5 में। क्लास 5 में, तो बाबा के साथ आएगी? बेटा कह रहा था मैंने हाई कोर्ट देखनी है, तो इसलिए आए जी। बेटा मोमिन, बेस्ट विशेज है बेटा आपके लिए, अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत लंबी जिंदगी दे बेटे, और आप माशाल्लाह बहुत तरक्की करो। बनना क्या है वैसे भाई? मैंने बड़े होके कमांडो बनना है। ओए लॉ, कमांडो बनना है? चलो चलो ठीक है ठीक है, आंटी को याद रखना बेबी। सो नाइस ऑफ यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपको जस्ट वन पे भी कभी बुलाएंगे सर। अच्छा सा शेर सुनाए ना जरा शेख साहब। अभी सुनाओ, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा,
राहतें और भी हैं वसल की राहत राहत के सवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। अच्छा वैसे शुक्र है इन्होंने ये कह दिया कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, क्योंकि ये शेख हैं ये कह सकते थे और भी गम है जमाने में कारोबार के सिवा, तो क्योंकि शेख और बिजनेस ना करेंगे हो नहीं सकता। नहीं सर, बिजनेसमैन है। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। जनाब सीनियर एडवोकेट हैं हमारे चौधरी वलायत अली साहब और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का, ताल्लुक इनका है शेखुपुरा बार से और बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी है, बड़ी ही हम्बल और बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत, तो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आज आपका सर इलेक्शन है, तो कैसा देख रहे हैं सर इलेक्शन को? अल्लाह के फजल से जो लोग प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशन को पसंद करते हैं वो इंशाल्लाह मुझे वोट कास्ट करेंगे और शाम को बफजल खुदा प्यारे नबी की शफात के सदके हम इलेक्शन जीतेंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। हमारे चैनल की तरफ से सर आपके लिए, आपकी जीत के लिए बेस्ट विशेस सर। हमारे बड़े फैमिली फ्रेंड हैं और इनके बच्चे घर वाले सब, हम सब क्योंकि फैसलाबाद से ताल्लुक है मेरे पेरेंट्स का, तो ये भी फैसलाबाद से हैं, तो इसलिए भाई पेका शहर है हमें तो बड़े अजीज हैं। और ये बैज लगाया हुआ है हारून दुग्गल साहब का, तो सर से पूछते हैं कि आज के इलेक्शन के बारे में, वो अपने कैंडिडेट के बारे में कितने पूरी उम्मीद है और इलेक्शन कैसा देख करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून दुग्गल को उस वक्त से जानता हूँ जब वो प्रोफेशन में बिल्कुल नया आया। फ्रॉम द डे वन ही इज़ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हार्ड वर्कर। इलेक्शन में आके भी उसने ये साबित किया कि वो अगर इलेक्शन में आएगा सियासत करेगा तो उसमें भी अपनी हार्ड वर्क दिखाएगा। उसने पूरे पंजाब को इस तरह मूव किया, भागा दौड़ा वोटर के पास गया, फिर उसका अपना कंडक्ट, उसकी डिसेंसी, उसकी कॉम्पिटेंसी उसने भी ऐड किया, जो सब चीज़ें मिलके बहुत सारे लोग उसके साथ इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो एक लंबी जो है लीड से जीतेगा। ठीक है सर, आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए पूरे उम्मीद है। वैसे ये बताइए, आपका ताल्लुक चिन्योर झंग से है और झंग के इलाके का आपको पता, मैनू वंग मंगा दे झंग दिया ना, झंग की वंगे बड़ी मशहूर है, लेकिन इस वक्त को अच्छा सा शेर सुनाया सर। मैं चूंकि इस वक्त एक सियासी माहौल में हूँ तो सियासी शेर सियासी सुनाऊंगा। मुझे डराना समंदर पे पुल नहीं होते, मुझे डराना समंदर पे पुल नहीं होते, मेरे शऊर को रास्ते दिखाई देते हैं। मुझे डराना समंदर पे पुल नहीं होते, मेरे शऊर को रास्ते दिखाई देते हैं। वेरी नाइस। नाज़रीन मेरे साथ तैयबा मुबारक चौधरी एडवोकेट हाईकोर्ट मौजूद हैं और ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, अभी नई नई शादी भी हुई है इसलिए ये रेड सूट में है। चलो अच्छी बात है, रेड सूट एक अलामत है खुशी की, तो मैं तो उन्हें मुबारक भी देती हूँ इस चैनल के हवाले से और आज के इलेक्शन के हवाले से भी पूछती हूँ कि तैयबा कैसा इलेक्शन देख रही हो? अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले जो है खैर मुबारक और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। रिसेंटली मेरी शादी हुई है और शादी को सिर्फ आज मेरे 15 दिन हुए हैं, लेकिन मैं ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच को स्पेशली वोट कास्ट करने के लिए आई हूँ और स्पेशली मैंने अपने ससुराल में आज रिक्वेस्ट किया है कि मुझे जाने दें, क्योंकि ये हमारे जो हैं वो लीडर ही नहीं पा भी हैं और पा जो है वो बड़े भाई को हमारी पंजाबी में कहा जाता है और ये हमेशा जो है वो बच्चियों के सर पर हाथ रखते हैं और इनकी मौजूदगी में जो हमें सिक्योरिटी फील होती है और जो सेफ्टी मौजूद होती है वो किसी और की मौजूदगी में हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी दिल से दुआ है कि ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच जो हैं वो हमारी कैबिनेट में, लाहौर हाईकोर्ट बार की कैबिनेट में आके बैठें और पाग की तरह जो है ना हमेशा हमारे सर पे अपना हाथ रखें। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ ससुराल पाबंदी लगाता है? अभी बता दो तो मैके में खड़ी हो। नहीं नहीं बिल्कुल भी पाबंदियाँ नहीं लगाते, बहुत जो हैं वो नाइस हैं, डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड से हैं, लेकिन चूँकि शादी को थोड़ा सा भी टाइम हुआ है तो इसीलिए जो है बहू हमारे साथ टाइम गुजारे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, थैंक यू। अच्छा सा शेर सुनाओ यार। आज के लिए जो मैं शेर कह रही हूँ स्पेशली मैं पाक को जो है वो डेडिकेट करने जा रही हूँ कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वाह, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। बड़ी खूबसूरत। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा ये जनाब तनवीर रिजवी साहब सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, बहुत ही रौनकी बंदे हैं ये, जब प्रोग्राम होता है तो यकीन करें सच जाता है इनके बारे में। सर जी आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? मैं ताहिर नसरुल्लाह बड़ाइच का लगाया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी नज़र में इंशाल्लाह ताला ये जो है ताहिर नसरुल्लाह बड़ाइच कम से कम 1000 की लीड से जीत जाएगी। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लीड से जीत जाएगी इनकी, काफ़ी वोकला में इनकी जो से है वो बहुत अच्छी है, वोकला दोस्त है, वोकला फैमिली है बहुत ज़्यादा है,
इनके वालिद भी जो थे ये लायक सन है। चले जी ये बच्चे, बेस्ट ऑफ लक सर आपके लिए, आपकी अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी के लिए दुआ को हम। आप भी खुश। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। हारून दुग्गल साहब एक प्रोफेशनल एडवोकेट हैं जी, और करेक्टर के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं, और प्रोफेशनल एडवोकेट जो हैं उनको सामने आना चाहिए, क्यादत उन्हें करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि दुग्गल साहब अगर आते हैं और वो बेहतरीन क्यादत करेंगे, बार के लिए बड़े मुफीद साबित होंगे। सर बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए। सर ये मेरे साथ मेरी छोटी बहनें एडवोकेट्स मौजूद हैं, सिद्रा मियो और महक। तो बेटा कैसा देख रहे हो आज का इलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है आज का इलेक्शन। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी सारे वकला आए हैं हाई कोर्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज तो ऐसे है जैसे सारे हाँ जी मेला लगा हुआ है, ईद है वकला की, ईद है वकला की, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ये ईद का ही दिन होता है। हाँ बाकी सबकी दो ईदें होती है, हमारी चार होती है। ये वो ईद है जो बगैर सवैये और बगैर चूड़ियों के, बिल्कुल ये कार्ड झटके होते हैं, हर एक की सिटिंग पर ना कार्ड झटके होते हैं। ये तो है जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। ये अमरीन मलिक मेरे साथ है, बेटा अपना नाम बताइएगा। समीना असद खान। समीना असद खान और अमरीन मलिक, ये आज के इलेक्शन के हवाले से कैसा देख रहे हो अमरीन? माशाल्लाह आज का इलेक्शन बहुत अच्छा, बहुत पुरसकून जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच साहब विन करेंगे, और हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, हमारी सपोर्ट उनके साथ है, इंशाल्लाह ताला वो लाहौर हाईकोर्ट सदर बात बनेंगे। हाँ, आप जी? जी मैं ताहिर भाई के साथ हूँ। इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट में इतनी गहमा गहमी कम ही देखने को मिली है, मुकाबला टक्कर का, दोनों कैंडिडेट्स अच्छे हैं, लेकिन ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच जो है वो कम्फर्टेबल जोन में है, और इंशाल्लाह ताला में उम्मीद है सदर लाहौर हाईकोर्ट बार मुंतखब होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फतह नसीब करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो जो बाहर से वकला हैं उनको वेलकम करते हैं, उसके बाद सदर पे जैसे नवीद भाई ने बताया कि ताहिर वड़ाइच जा रहे हैं, और सेक्रेटरी पे दुग्गल साहब जा रहे हैं, इंशाल्लाह इनकी विक्ट्री होगी। तो बाकी कैंडिडेट के लिए भी बेस्ट विशेज हैं। चले बेटा बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मैडम शमसा अली इस वक्त माशाल्लाह एमपीए भी हैं, हमारी एडवोकेट हैं, हमारे लिए काबिल है। मैडम जी कैसा देख रही हैं इलेक्शन? जी मैं तो बहुत, मैं समझती हूँ कि हमारी जो बार है और जो हमारे जो वकला का जो प्रोफेशन है वो रेगुलेट इसी वजह से होता है कि हमारे ये जो हर साल ये इलेक्शन होते हैं ये एक बहुत बड़ा एसेट है हम सब के लिए, और हमें हमेशा इसके लिए आके वोट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन वकला को हम लेके आए कि जो वाकई प्रोफेशनल है और जो कि वकला के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी बेहतर काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए जिनको आप वोट कर चुके हैं या करना चाहती हैं। ये मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड भी है और सफिया, सफिया बड़ी पक्की जट्टी है। सफिया सिंधु कहनी है की कहनी अपने आप? सफिया नौरीन चौधरी। सफिया नौरीन चौधरी, फैसलाबाद से ताल्लुक है। सफिया कैसा देख रही हो इलेक्शन यार? इंशाल्लाह इलेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, मैं ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच को सपोर्ट कर रही हूँ, इंशाल्लाह शाम के 5 बजे हम इस विन करेंगे। ओह चले जी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ये फिरोजा मलिक भी है जी, बेटा अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के हवाले से बड़ी माशाल्लाह गहमा गहमी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेट है जीत जाएगा और हम भंगड़े डालेंगे और हम शुक्राने के नफल अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह वेरी नाइस वेरी नाइस। सीनियर हमारी एडवोकेट मेरी बड़ी बाजी भी हैं, बहन भी हैं, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत मोहब्बत करने वाली मैडम मुकद्दस ताहिरा, और ये एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रही हैं। तो मैडम आज के प्रोसिक्यूटर जनरल आज के इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे मैडम जी? जी माशाल्लाह बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी रौनक है, वैसे तो सारे भाई हैं अपने, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए ताहिर वड़ाइच के लिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ, और माशाल्लाह इंशाल्लाह जीत उनकी होगी, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जीत उनकी हो। शुक्रिया। चले बेस्ट ऑफ लक मैडम आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक के, थैंक यू वेरी मच। शगुफ्ता बेटा आज का इलेक्शन कैसा देख रही हो बताओ? अस्सलाम वालेकुम, शगुफ्ता खान एडवोकेट। बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा है, हर तरफ गहमा गहमी है, और हर साल की तरह आज भी पुरौनक है, और सारे वकला बहुत जो हैं वो एक्साइटेड हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को लेके, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कैंडिडेट्स के लिए जो जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका हामी नासिर। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरे साथ जनाब बहुत बड़ा नाम बार का वकालत का, और मेरे बड़े भाई जनाब मोहतरम रमज़ान चौधरी साहब, और ये वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े अहदों पर रहे हैं, और मैंने तो जब से हमने होस्ट वाला इन्हीं को वोट देते आए हैं। अच्छा सर ये आज का इलेक्शन कैसा है सर? अस्सलाम वालेकुम पहले। बहुत शुक्रिया आपने जो तारफ कराया, बहुत मेहरबानी। तो आज भी मेला सजा है हर साल की तरह, और दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं,
तो मुझे आज लग रहा है जो मैं देख रहा हूँ हालात कि आज तार नसरुल्ला वड़ैच का पल्ला भारी है, हारून दुग्गल का पल्ला भारी है, बैरिस्टर सईद नागरा का पल्ला भारी है और दो बच्चों में मैं देख रहा हूँ उसमें जो जीशान सलेरिया है और वो वसीम राणा है इसमें मैं देख रहा हूँ कि कंटेस्ट है। अब देखें अल्लाह खैर करे, थोड़ा टाइम बाकी है तो जिसके हक में बेहतर है अल्लाह रहमत करे, तो बार के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, हम सब के लिए बेहतर हो, बार हमेशा मेरिट पे फैसले करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आमना चौधरी और वरदा सैयद, बेटा कैसा देख रहे हो इलेक्शन, जल्दी बता दो, मैंने भी वोट कास्ट करना है यार। अस्सलाम वालेकुम, आई एम एडवोकेट वरदा सैयद और यहाँ पे हो रहा है इलेक्शन, आज इलेक्शन डे है और मैं नसरुल्लाह वड़ैच को सपोर्ट कर रही हूँ एंड इंशाल्लाह ही विल बी द विनर। बेस्ट ऑफ लक जी आपका बेटा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेला सा लगा हुआ, सारे आए, सबने बहुत मेहनत की है, लेकिन अपनी कैंडिडेट्स के लिए मैं जो हूँ दुआगो हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो जीते। अच्छा सा शेर सुनाओ, वही वाला सुनाऊंगी जो आपको पसंद है। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा कि आदतें बदल देंगे, फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिश नहीं रुकी। तुम भी सुनाओ अच्छा सा शेर। लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। वाह वाह वाह, चलो बहुत अच्छी बात। मैडम जी इलेक्शन कैसा देख रही हैं? बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा इलेक्शन दे रही हूँ, इंशाल्लाह ताला नसरुल्लाह साहब जीतेंगे। ओहो, अपना पूरा तारुफ भी कराइए। मेरा नाम तहसीन इरफान, एडवोकेट हूँ और लाहौर बार की एक्स वाइस प्रेसिडेंट। कैसे बेटा? माशाल्लाह जी बेटा, कैसा इलेक्शन है? ये बहुत अच्छा मैडम, बहुत मजा आ रहा है। जावेद अहमद गुराया साहब मौजूद हैं और ये सदर फिरोज वाला बार हैं, तो सर आज का पहले तो लाहौर में वेलकम सर, और आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं सर जी? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा इलेक्शन है और हम इंशाल्लाह पातार वड़ैच को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन में बहुत अच्छा वोट की जो है कास्टिंग हो रही है, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक रिजल्ट आने ही वाला है, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे जी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जीत पातार वड़ैच की होगी जी। फिरोज वाला बार से मेरा तल्लक है और आज हमारा ये यहाँ पे हाईकोर्ट बार का इलेक्शन है, हम तैयार नसरुल्लाह वड़ैच साहब को प्रेसिडेंट के लिए जो है सपोर्ट कर रहे हैं और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो विन भी करेंगे, और हमारा बुकड़ा का ये एक मेला है जिसमें हम तमाम बुकड़ा पूरे पंजाब से इधर आते हैं, हाईकोर्ट बार के लिए अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो बुकड़ा की नुमाइंदगी करें और मुल्क कौम के लिए बेहतरी का कदम उठा सकें, कदम उठा सकें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी राणा साहब। जी हम ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और एक इलेक्शन जो है वो एक बार का हुसन होता है जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे सदर और सेक्रेटरी की एक मिसाल कायम होती है कि जो बगैर किसी प्रोटोकॉल के हर जगह हर वकील के साथ खड़े होते हैं, और हम हर वकील और किस काले कोर्ट की जिद के लिए हर हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और हमेशा अपने ऐसे प्रोफेशनल लोगों के साथ खड़े होंगे जो इस कोर्ट की इज्जत के लिए खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चले जी, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए। जी मेरा कैंडिडेट, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह हारून दुग्गल विनर है, तो नजर कुछ ऐसे ही आ रहा है यहाँ पे, हर बंदा ही हारून दुग्गल, तो उनके लिए चले। थैंक यू। मार अंसर अब्बास और आबिद किलानी साहब साथ हैं, सर आपने टाई बहुत अच्छी पहनी जी, थैंक यू सो मच जी। और इलेक्शन में दूर से नजर आ रही है, वैसे आज तो शुक्र है काली टाई चेंज कर लिया बस ऐसे थोड़ा सा मैंने इसलिए टाई चेंज किया, थोड़ा सा यूनिक नजर आऊँ दूसरे दोस्तों। वेरी नाइस। अच्छा सर कैसा देख रहे हैं इलेक्शन? जी इलेक्शन ताहिर साहब की बहुत अच्छी पोजीशन है और वकला के जो राइट्स के लिए वो बहुत अच्छा फाइट करते हैं और हर फ्रंट फुट पर उनके साथ जो है ना, और उनके बहुत रिस्पेक्ट ऑनर है और अच्छे आदमी है जी सर। आप बा इसी वजह से मशहूर है कि वो सबका भाई है, बा भी कहलाते हैं, इसलिए बा कहलाते हैं। सो नाइस सर, थैंक यू वेरी मच आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए बेस्ट विशेस चैनल की तरफ से। सोनिया बाबर बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बस हो ही गई है, तो पहले तो इस चैनल के हवाले से सोनिया को मुबारक है, माशाल्लाह बहुत एक्टिव, बड़ी पॉलिटिकल भी इसका बड़ा वर्क है। सोनिया आज के इलेक्शन के बारे में बताओ। जी इलेक्शन माशाल्लाह काफ़ी रश होता जा रहा है और काफ़ी हद तक वोट कास्ट हो रहा है, और ये जो इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है ये बहुत अच्छा हो गया है। इससे हाँ इससे एक तो ये है कि वोट डालने में बड़ी आसानी हो गई है, आप जाएँ और एक मिनट में फारिग होकर बाहर, तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। थैंक यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो नवीद अब्बास शाह साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और पढ़ाते हैं, बहुत अरसे से वकला को पढ़ा रहे हैं, निशान भी मेरे साथ है, जिशान शेख भी है, सारे दोस्त साथ हैं। पहले सर से पूछते हैं ना, इन थिंक माहिराना राय रहते हैं आज के इलेक्शन के हवाले से, सर क्या फरमाएंगे? सर ने आज बड़ा खूबसूरत सूट पहना हुआ, वैसे बहुत एक यूनिक कलर का, सर पहले तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आप हमारे भाई हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। मैडम पहली बात तो ये है कि चूंकि आपने बड़ी पर्सनल सी बात की है
तो सूट का कलर ग्रीन पाकिस्तान के नाम में मानून कर रहा हूँ, ठीक हो गया। दूसरी चीज ये कि इलेक्शन बड़े पुरमन फजा में हो रहे हैं और वकला अपनी बहुत जो उनके वसीउल कल्बी है उसका सबूत दे रहे हैं। आप ये देख ही रहे हैं कि मैंने ताहिर नसरुल्लाह बड़ाई साहब का बैज लगाया हुआ है, मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं, ये जिशान आमिर शेख साहब, उन्होंने मकसूद भुट्टर साहब का लगाया हुआ है, कुछ साहिबान जो हैं वो यही खूबसूरती है सर, यही खूबसूरती है। एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, सेहतमंदाना हेल्दी ट्रेंड है और वकला बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, अपने अपने कैंडिडेट की फेवर में वोट भी मांग रहे हैं। और जो हमारे नज़रियात हैं वो यही हैं कि टॉलरेंस सोसाइटी में अगर है तो वो बार में है और हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि बावजूद इस अमर के मुख्तलिफ सियासी कैंपों से हमारा ताल्लुक है, लेकिन हम बहुत ही सियासी बालिग रायदही का सबूत देते हुए और ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो एक दूसरे की चॉइस को जो है उसका एहतराम करते हैं, कन्वेंसिंग करते हैं और कन्वेंसिंग में अगर कोई कन्विंस हो जाता है तो फिर उसके हक में वोट भी डाल देते हैं। बड़ी प्यारी बात की इन्होंने कि ये इट्स अ ग्रेट डेमोक्रेसी कि आप देखें कि सारे दोस्त कोई किसी को सपोर्ट करके लेकिन वो दोस्त एक दूसरे के साथ हैं, मोहब्बतों के साथ हैं और शाम को जो सदर जीतेगा वो सबका सदर होगा। और जिशान ने आप देखें, इन्होंने जिशान आमिर शेख, इन्होंने एम ये मकसूद भुट्टर साहब का लगाया, इन्होंने नसरुल्लाह वड़ाइच का लगाया, लेकिन आई नो के दे आर वेरी बहुत अच्छे बड़े क्लोज फ्रेंड भी हैं और सर टीचर हैं, ये उनके शागिर्द भी हैं, बड़े लाडले शागिर्द हैं। जिशान आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हो बेटा? सबसे पहले बात तो ये है कि मैं अपनी हाईकोर्ट बार को, उनकी कैबिनेट को मुबारक दूंगा कि जिन्होंने आज का इतना खूबसूरत इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाया और इतना पुरमन और मोहब्बतों से भरपूर इलेक्शन कंडक्ट कराया गया है। हालांकि इलेक्शन से पहले फिजा में थोड़ा सा तनाव था जो कि एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस आज बड़े खूबसूरत तरीके से अपने अंजाम को पहुँच रहा है, तो आज का इलेक्शन बड़ा बैलेंस्ड है और इस टाइम पर कोई ऐसी बात नहीं कि पता चल सके कौन इस टाइम पर आगे है या किसी का इलेक्शन बेहतर है, और इलेक्शन का मुकाबला बड़ा कांटेदार हो रहा है और जमहूरी रवायात परवान चढ़ रही हैं। इंशाल्लाह आज का इलेक्शन के इंजाम तक होने तक हमारे बार के अंदर एक और नए साल की तारीख रकम होगी और अच्छा इलेक्शन करवाने की बाब में इजाफा होगा। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी प्यारी बात की मेरे यंगर ब्रदर ने कि वाकया सुबह से कोई नाखुशगवार वाकया देखने में नहीं आया, और अक्सर हम वैसे कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ना ये बुकरा से सीखना चाहिए कि इलेक्शन कितने मज़े की चीज़ है और कितने आराम से होता है। बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा है मैडम और ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए एक मशाले राह है, ये टॉलरेंस को प्रमोट कर रहा है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला देता है, और जैसे आपने पहले कहा ये सदर, ये इलेक्शन 5 बजे के बाद हमारा सदर एक ही सभी का होगा और कम्युनिटी का होगा। हम इस तमाम सूरत हाल को प्रमोट करते हैं और सियासतदानों को और सोसाइटी को कहते हैं सीखें वो कला से सीखें। बहुत नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। उकाड़े से जी अल्लाह का तो आपको वेलकम लाहौर, आप उकाड़े से आए, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई है। ये वकला की कम्युनिटी जो है ये यूनिटी देख के ना बड़ी खुशी होती है, सब दोस्त अहबाब, ये एक फेयरवेल सा लगता है जैसे हम मिलते हैं लाहौर से, उकाड़ा से, दीपालपुर से हम आते हैं यहाँ पे। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हो हमारी ख्वाहिश ये होती है वो इस कम्युनिटी के लिए सर्व करें, ठीक है, हम सर्व करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारी कम्युनिटी पर और से भी गिद्धे ना आँखें रख के बैठी हैं, जब तक इन गिद्धों को हम नहीं नोच डालेंगे तो हम सर्व कर रहे हैं, पाताहर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमारा। बहुत प्यारी बात की है कि हमारा वो कैंडिडेट आए जो हम सबको सर्व करे। मेरा ख्याल है कि गैदरिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक प्रोफेशनल गैदरिंग जो हम कोर्ट में आके मिलते हैं, अक्सर हमारी मुलाकात हो जाती है, और दूसरी गैदरिंग ये ख़ास तौर पर ये जो इवेंट्स होते हैं ये सबसे अच्छी वाली गैदरिंग है, इसमें हम जो मिलते हैं वो प्रोफेशनल मीटिंग में नहीं हमारी मुलाकात हो सकती। और दूसरा वो मुझे याद आया कि गुलजार साहब हैं इंडिया के राइटर हैं, मुझे उनकी बड़ी आज बात याद आ रही है, वो शायर है, शायरी में शायद उन्होंने कुछ कहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं दोस्तों पे मुकदमा कर दूं, इसी बहाने मुलाकात तो हो जाया करे, तारीख में तो आया करे। जी जी एग्जैक्टली तो ये वाली जो गैदरिंग है वो जो प्रोफेशनल गैदरिंग है उससे ये कहीं ज्यादा आगे, कहीं ज्यादा। थैंक यू वेरी मच रारा साहब, थैंक यू। ये बार जो है हमेशा की तरह जो है एक पूरा मन और पुरसकून तरीके से इलेक्शन का जो है इनाकाद किया गया है। ये सोसाइटी के अंदर जो इनटॉलरेंस थी ये उसके लिए एक राह है कि वकला जो है वो खुले अजहान और वसीउल कल्ब लोग हैं,
जो कि मुखालफत खुले तरीके से सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, गुफ्तगू के कायल हैं, और उसका ये बहुत बड़ी मिसाल आज का इलेक्शन है कि मेरे सामने जो है मुखालफीन हैं, मेरे दाएं हैं, मेरे बाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाथ में हाथ डाल करके खड़े हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, खुशगपियाँ लगा रहे हैं और अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा इलेक्शन है, ये हमारा पैगाम है आज के इस इनटॉलरेंट सोसाइटी में, मुआशरे के लिए, कि हम जो लोग हैं वो बात करने वाले, सुनने वाले और बैठकर मामलात को हल करने वाले लोग हैं। तो वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। चले जी, वो कहते हैं ये मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज का इलेक्शन आप देख रही हैं कि माशाल्लाह जिस तरह गहमा गहमी है हाईकोर्ट में और जितना पुरसकून है, ये वकला जिनके ऊपर बेवजह कोई ना कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है, आप इनकी यूनिटी, इनका डिसिप्लिन देख अंदाज़ा कर सकती हैं कि ये एक बहुत ही डिसिप्लिन कम्युनिटी है। और हम माशाल्लाह सारे इलेक्शन डे पे एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद एक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक सर। नाज़रीन, मेरे साथ अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त मैं भी शाबना मेरे साथ हैं, और हाल ही में बहुत अच्छा इलेक्शन इसने अपने भाई का लड़ा है, मियां उसामा का, और वो जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन है। तो मैं भी कैसा देख रही हूँ आज के इलेक्शन को यार? मैम, आज का जो इलेक्शन है बहुत कांटेदार है, और दुआ मेरी ये है कि अल्लाह ताला जिसको भी हमारे लिए सिलेक्ट करे वो आम वकील के मसाइल को समझने वाला हो, जानने वाला हो, आम वकील की जो रसाई है उस तक, अहदेदार तक मुमकिन हो। ये ना हो कि हम बात भी ना कर सकें। लेकिन ये है कि इलेक्शन एक तो अपनी जगह पे कांटेदार है, दूसरा ये है कि हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम वकीलों के लिए ये एक फेस्टिवल होता है। जी मैम, सही कहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राफेल, आप बताओ कैसा इलेक्शन है? इलेक्शन जो है बहुत कम कांटेदार मुकाबला हो रहा है, तो हम लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट आए वो हमारी बार के लिए सूटेबल हो और हमारे कामों को जो है वो समझे और हमारे मसाइल को हल करे। तो यही हमारी कोशिश है कि बेहतरीन बंदा जो है, कॉम्पिटेंट बंदा है जो है, वो इस बार के लिए इलेक्ट हो। जी बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल कैंडिडेट्स। लेकिन ये कि जो इलेक्शन जीतेगा, मैडम आप क्या कहती हैं आज के इलेक्शन के बारे में? आज का इलेक्शन लोगों में बहुत गहमा गहमी और बहुत ज़्यादा मकदार में लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और बहुत हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला जिसको भी कामयाब करे वो वकला कास के लिए मेहनत करे और उनके लिए कुछ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। मियाँ चनू बार से ताल्लुक है और मियाँ चनू बार हमें बड़ी अजीज़ है। तो मोहसन, कैसा आप देख रहे हैं आज का इलेक्शन? जी माशाल्लाह बहुत गहमा गहमी है और टफ मुकाबला देखने में आ रहा है। हम चूँकि ताहर नसरुल्लाह भाई साहब की सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसन, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। व्यूअर्स, मेरे साथ शाहिद मीर एडवोकेट, साबिक सदर सियालकोट बार मौजूद हैं अपने सारे दोस्तों के साथ, और पहले तो इन्हें खुशामदीद कहती हूँ, लाहौर में तशरीफ लाए हैं सियालकोट से, और फिर इनसे पूछती हूँ कि आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? इलेक्शन तो ऑलमोस्ट पोलिंग खत्म हो गई है सर, सर कैसा इलेक्शन फील कर रहे हैं? आज लाहौर के अंदर इलेक्शन ऐसे महसूस हो रहा है कि लाहौर के वकला खुश हैं और लाहौर के डॉक्टर आज सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि इस इलेक्शन की वजह से हर मेंबर बार का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल हो चुका है। वो इतने एक्साइटेड है अपने 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 कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए, इतने एक्साइटेड हैं कि आज जो हमें केसेस की वजह से अदालतों में टेंशन का सामना होता है, वो सारी टेंशन आज दूर है। और हम मकसूद भुट्टर साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि वो प्रोफेशनलिज्म की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इंशाल्लाह भरपूर अपना रोल अदा करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और सर, हम भी चाहते हैं कि बार का बाद हो, अस्पताल आबाद ना हो। वेरी गुड, वेरी तो ये बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है कि चलो शुक्र है सारे वकीलों ने ब्लड प्रेशर आज दे हो नरम। मेरे साथ मेहर आसिम अली हुसैन, गुजरात बार से ताल्लुक है और वहाँ पे गुजरात में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे हो तो वजीराबाद के ना। तो आसिम हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, माशाल्लाह बड़ी लिटरेरी शख्सियत है, आज तो खैर वोट कास्ट करने आए हैं। तो आसिम से पूछते हैं कि आज के इलेक्शन के बारे में आसिम का क्या व्यू है? आसिम, कैसा इलेक्शन देख रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत खूबसूरत इलेक्शन है, बहुत खूबसूरत इलेक्शन है वकीलों का। हम सारे बहन भाई हैं आपस में, ठीक है जी, और यही हमारी खूबसूरती है कि शाम को हम सब ने इकट्ठे हो जाना है। बड़ा कांटेदार मुकाबला जा रहा है जी, मकसूद भुट्टर साहब का और ताहिर नसरुल्लाह वड़ाई साहब का, चौधरी वलायत साहब का। हम ताहिर नसरुल्लाह वड़ाई साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको प्यार के साथ भाजी कहा जाता है। अच्छा। और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि हम काफ़ी लीड से इलेक्शन जीतेंगे। और मैं भाजी की शान में ना एक छोटा सा गाना बोलूँगा, वो ये है कि
मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे जीवा सौ साल। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे जिया सौ साल। पा तेरी जित इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आसिम, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए और आपके कैंडिडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच जी सर। आज के इलेक्शन का आप क्या कहेंगे? आपने बड़ा डिफरेंट कलर का सूट पहना है। जी मैंने आज का जो इलेक्शन है पिछली दफ़ा से डिफरेंट पाया है। अच्छा, जो हम जो इस वक्त जीत वाजे नज़र आ रही है वो ताहिर नसरुल्ला की 100% आ रही है। और इतना इस दफ़ा इलेक्शन अच्छा हुआ है ना, हमारी सोच से भी ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ है। सर पूरा नाम बताइएगा। मकसूद अली खान। मकसूद अली खान साहब, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके लिए और आपके कैंडिडेट के लिए। चैनल बेस्ट विशेज। थैंक यू वेरी मच। बेटा आप कैसा फील कर रहे हो इलेक्शन को लेकर? बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है इंशाल्लाह ताला। हमने ताहिर बड़ाई साहब को सपोर्ट किया है और अरुण दुगल साहब को इंशाल्लाह ये जीतेंगे भारी सीरीज के साथ। हम पूरी टीम के साथ पाक पतन से तशरीफ लाए हैं और यहाँ पे ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच साहब और दुगल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो दोनों जीतेंगे और मेरी दुआएं इनके साथ हैं कि ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच साहब और साथ में दुगल साहब इंशाल्लाह। बाबा फरीद की बस्ती से जी अल्हम्दुलिल्लाह पाक पतन शरीफ बाबा फरीदुद्दीन जी। बिल्कुल जी, हम भी यहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनके ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच साहब को वोट कर रहे हैं और साथ में दुगल साहब को वोट कर रहे हैं और पाक पतन शरीफ से हम आए हैं सारे दोस्त। तकरीबन 100 वोटर आए हैं यहाँ। पाक पतन ते आन खलोती बेड़ी मेरी बनने ला, दूरों सुन के आई हमें इस पतन दा तू है मला, है ना। और हमें पता चला है कि अभी मेंबर पंजाब बार कौन सा इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, तो अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। बस आप दुआ कीजिए। लास्ट में कहूंगा ये अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद रुखी सुखी ख्वाब फरीदा ठंडा पानी पी वेख पढ़ाई चौपड़ी ना तरसावी जी बाबा फरीद के हवाले से। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। चौधरी बाबर हुसैन फ्रॉम लाहौर, ये मोहम्मद अयूब खान नायब सदर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, उनका बैज लगाए में जी। सर आज के इलेक्शन के बारे में क्या फरमाएं जी? इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं कि अल्लाह के फजल करम से आज की जो नायब सदर है इंशाल्लाह ताला वो मोहम्मद अयूब खान साहब हैं और हम उनके बैजर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और अल्लाह से हमारी दुआ भी है कि इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह सुरखरुख करेगा इंशाल्लाह ताला। आज का दिन मोहम्मद अयूब खान इंशाल्लाह ताला सदर होंगे। खान तेरी जीत चला इंशाल्लाह इंशाल्लाह, खान तेरी जीत चला। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब ये हमारे नाजरीन आज का हमारा ये इलेक्शन लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन प्रिंसिपल सीट का था और आपने देखा कि कितना रश और कितने लोग और कितने दोस्त और इट्स अ रियली इतना बड़ा फेस्टिवल है, ये कितना मेला है दोस्तों का कि जिसकी कोई हिसाब नहीं और सब माशाल्लाह बड़े खुश हैं दोस्त एक दूसरे के साथ। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह खुशियां बांटने की आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए और आसानी और खुशियां अता फरमाए। तो चैनल की तरफ से जीतने वाले लोगों को मुबारकबाद, पेश की मुबारकबाद। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी अच्छे मौके पर आप सब दोस्तों से मुलाकात होगी। नरगिस नाहिद इजाज़त चाहती है, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।